के, और वो विषय ऐसा है कि वो एक आम स्टूडेंट जो आफ्टर ग्रेजुएशन ड्रीम्स लेता है कि उसे क्या बनना चाहिए क्या नहीं बनना चाहिए, उसमें भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है ये। यानी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं सिविल सर्विसेज के बारे में, और विशेष करके कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या प्रोविजन दिए गए हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल लेक्चर्स की जो सीरीज है उसमें आज की ये सीरीज मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी और आप उसको ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। इंडियन सिविल सर्विसेज IAS, यानी जैसे हम सामान्य शब्दों में एक बच्चे का सपना होता है कि कलेक्टर कैसे बनते हैं या कलेक्टर की तैयारी कैसे की जाती है, तो बहुत सारे बच्चे जो मेडिकल लाइन में जाते हैं, कुछ इंजीनियरिंग में जाते हैं, कुछ जो है वो क्लेट के थ्रू जुडिशियल सर्विसेज में जाते हैं, लोकेसी में जाते हैं, बट कुछ बच्चे जो हटके होते हैं इनसे वो सिविल सर्विसेज को अपने करियर के रूप में चूज करते हैं। तो एक तो ये कि भारत में सिविल सर्विसेज का आगाज कब से हुआ, और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारे माननीय संविधान वेताओं ने उसके बारे में कौन से प्रावधान किए, वो प्रोविजंस हम देखेंगे सारे आर्टिकल 309 से लेकर के 310, 11, 12, 323 और 335 में। लेकिन इससे पहले हम इसकी जड़ में जाते हैं, हम अपनी नींव को देखते हैं कि उसको सिविल सर्विसेज के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में जाने से पहले किस प्रकार से हम अपने आप को मजबूत कर पाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत की थी, और प्रारंभ में केवल ब्रिटिशर्स ही उस एग्जामिनेशन में बैठ पाते थे, भारतीयों को बैठने की छूट नहीं थी। बाद में धीरे धीरे जब भारत के दोनों गरम दल और गरम दल ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष ये मांग रखी कि भारतीयों को भी उसमें जो है वो उपस्थित होने का मौका दिया जाए, चुने जाने का मौका दिया जाए। इसके बारे में कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो पहली बार कलकत्ता से ऑल इंडिया सर्विसेज में ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कंडक्ट की गई थी उसमें उपस्थित हुए थे, और उन्होंने सिर्फ एक लाइन लिखी थी, डिवाइड एंड रूल जो क्वेश्चन था उसके जवाब में। और जो ब्रिटिश एग्जामिनर था, ये कहा जाता है कि 100 में से आउट ऑफ 100 05 मार्क्स, यानी 5 नंबर अपन ने बढ़ाकर 105 में से 105 नंबर जैसा भी किया, ऐसा सुनने में आता है। तो तब अखिल भारतीय सेवाओं की भारतवर्ष में क्या स्थिति थी, कुल मिलाकर के स्थिति यही थी कि जैसा अंग्रेज अधिकारी चाहते थे उन्हीं लोगों को जो है वो कलेक्टर, यानी जो टू कलेक्ट, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, लगान पिक्चर आप लोगों ने देखी होगी, तो उसके लिए जो वो कलेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करते थे। आज को हम देखते हैं कि स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है, और एक भारत के कार्य भारतीय प्रशासनिक अधिकारी का जो कैडर है या उसकी उसका उसकी जो अपनी गरिमा है वो अपने आप में बहुत अलग है। तो उस समय जो है वो कुल मिलाकर के जो ब्रिटिशर्स थे उन्हीं को अवसर दिया जाता था। बाद में आगे चल के हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बाद इसमें काफी जो है वो चेंजेज आए, और हम देखते हैं कि ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन किया गया। 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, और उसके बाद 1951 में ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट बनाया गया। दिस इज ऑल्सो ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 वॉज पास बाई आवर पार्लियामेंट, और उसके आधार पर अखिल भारतीय सेवाओं का न केवल गठन किया गया बल्कि उनको रेगुलेट भी किया गया, जो कि हम आगे चल के वेरियस आर्टिकल्स में देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ऑल इंडिया सर्विसेज है क्या। ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो एक अखिल भारतीय सेवाएं होती है जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा लगभग प्रति वर्ष आयोजित की जाती है। भारत सरकार के कार्मिक विभाग के द्वारा आने वाले सालों की जो वैकेंसीज है उसको कैलकुलेट किया जाता है, अपनी वैकेंसी अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापित की जाती है। जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है जिसे हम ICS के नाम से जानते हैं वर्तमान में, इंडियन सिविल सर्विसेज जो है वो उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया था। 1951 में तो ये केवल दो ही सर्विसेज थी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज यानी भारतीय पुलिस सेवा, ये 1950 के एक्ट के द्वारा बनाया गया था। बाद में 1963 में इसमें अमेंडमेंट करके IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज और जोड़ दी गई।
बट यहीं तक सीमित नहीं है। जो अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आईसीएस की वैकेंसीज निकलती है उसमें पूरा एक जो है वो सबोर्डिनेट सर्विसेज को भी शामिल किया जाता है। उसमें उन्हीं सर्विसेज से सबोर्डिनेट सर्विसेज जैसे इंडियन फॉरेन सर्विसेज है, इंडियन रेलवे सर्विसेज है, इंडियन अकाउंट सर्विसेज है, इंडियन कॉर्पोरेट सर्विसेज है, इंडियन इंडस्ट्री सर्विसेज है, देयर आर सो मेनी सर्विसेज जो कि अखिल भारतीय सेवाओं के इन्हीं कैडर में से चूज किए जाते हैं कैंडिडेट्स। तो अगर आप आईसीएस के लिए अप्लाई करते हैं बाय द वे उसमें नहीं होता है तो मेरिट से आप आईपीएस में आ सकते हैं, आप जो आईएफएस में आ सकते हैं, आप इंडियन अकाउंट सर्विसेज में आ सकते हैं, आप इंडियन इंडस्ट्री यानी उद्योग सेवा में आ सकते हैं, इंडियन कॉर्पोरेट सेवा में आ सकते हैं, इंडियन रेलवे सेवा में आ सकते हैं। देयर आर सो मेनी सर्विसेज, उन सर्विसेज में जहां भी आप मेरिट में स्टैंड करेंगे वहां आ सकते हैं। उसके बाद भी आप जो है वो आगे भी कंपटीशन की उसी कंपटीशन की तैयारी करके प्रॉपर आईएएस में भी जा सकते हैं। तो ये एक सिंपल रास्ता है कंपटीशन का, इस पर बहुत अधिक डिस्कशन की जरूरत है। अगर मौका मिला तो उस पर कैसे हम आईएएस में अपना चयन करवा सकते हैं इसके लिए अलग वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन चूंकि हम अभी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन पर चर्चा कर रहे हैं इसलिए सीधे सीधे आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑल इंडिया सर्विसेज 1951 के माध्यम से इसका जो वो गठन हुआ था। हाँ, थोड़ा सा और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन इंडियन सिविल सर्विसेज की अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज की उसके अंतर्गत किस प्रकार से चयन होता है इसका छोटा सा प्रोसीजर मैं एक मिनट में आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह अखिल भारतीय सिविल सेवा की भी जो है वो एक प्रतियोगी परीक्षा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाती है लगभग प्रतिवर्ष, और उसमें सबसे पहले वो एक प्रीलिम्स एग्जाम लेती है, प्रारंभिक परीक्षा लेती है। ये केवल इसके मार्क्स आगे कहीं नहीं जुड़ते हैं, केवल ये निर्धारक होते हैं कि आप क्वालिफाई हो या नहीं हो, केवल योग्यता निर्धारण इसमें करते हैं। प्रीलिम्स जो क्लियर कर जाते हैं उसके लिए फिर मेंस एग्जाम होती है। इसका पैटर्न जो है वो अभी परिवर्तित किया गया, पहले तो सब्जेक्ट वाइज होते थे, कभी चार चार सब्जेक्ट होते थे, फिर दो सब्जेक्ट हुए, अभी इसको कॉमन जो है वो एक एग्जामिनेशन के रूप में लिया गया है। उसमें हिंदी इंग्लिश जनरल नॉलेज ही आपके महत्वपूर्ण विषय होते हैं, ये पूरा आपको जो वो अलग से एडवर्टाइजमेंट में भी इसकी सारी चीजें आती है। मेंस में जो जो स्टूडेंट्स जो क्लियर कर जाते हैं उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, और साक्षात्कार और मेंस दोनों के जो मार्क्स होते हैं उनको जोड़ करके और फिर मेरिट बनाई जाती है। तो टॉप मेरिट में आते हैं वो आईएएस बनता है, सबसे पहले कलेक्टर, उसके बाद में सेक्रेटरीज तक और चीफ सेक्रेटरीज तक जो है वो उसको जो है वो बनाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के माध्यम से आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में सेलेक्ट हो सकते हो। अभी हम चर्चा कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में कि भारत के संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में कौन से प्रावधान दिए गए हैं, तो वो अब हम प्रोविजंस पे आते हैं सीधे सीधे कि भारत के संविधान में कौन से प्रोविजन ऐसे हैं जो सिविल सर्विसेज को निर्धारित करते हैं। तो अब हम बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ जो है वो ये देखेंगे कि भारत के संविधान के आर्टिकल 309 में ये प्रावधान दिया गया है एम्पावर्स पार्लियामेंट, यानी 309 भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको गवर्न करता है कि पार्लियामेंट जो है वो इस प्रकार के रूल्स बना सकेगी, उनको रेगुलेट कर सकेगी, साथ ही उनके जो सर्विस रूल्स है वो भी फ्रेम कर सकेगी। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 310 जो है वो है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सिविल सर्विसेज को लेकर के कि अखिल भारतीय सेवाएं, देखिए यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति जो है वो ब्यूरोक्रेसी के भी प्रमुख होते हैं, चीफ होते हैं, जैसे वो कार्यपालिका का ही ये पार्ट है, तो कार्यपालिका के प्रमुख होने के नाते उनको किसी भी लोक सेवक को अपॉइंटमेंट और उनके सर्विसेज पे रेगुलेशन और उसको हटाए जाने का जो अधिकार है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करवाया है। तो कोई भी जो आईएएस इंडियन सिविल सर्विसेज का अधिकारी होगा उसको वो जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद तक ही सेवा में रहेगा। इसे कहते हैं कि प्रसाद का दिया जाना और प्रसाद का वापस लिया जाना। इस संदर्भ में एक डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल का जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट देखेंगे, उसका विधि शास्त्रीय अवलोकन करेंगे, तो हम पाएंगे कि प्रसाद का सिद्धांत मिलेगा, और उस प्रसाद में जब तक
जो मुखिया है वो प्रसन्न रहेगा तब तक आपको प्रसाद मिलता रहेगा, जब तक वो प्रसन्न नहीं होगा तो प्रसाद वापस ले लिया जाएगा। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर डिटेल में जो वो नेचुरल जस्टिस की थ्योरी से निकला हुआ एक सिद्धांत है और इसमें इसके अंतर्गत जो है वो कोई भी लॉन्सेवर जो वो कार्य करता है। तो इसके अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण केस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया, जैसे हम तुलसीराम पटेल नाम भारत संघ तुलसीराम पटेल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस के नाम से जानते हैं, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको वाइडली इंटरप्रेट किया कि प्रसाद का सिद्धांत वास्तव में है क्या। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू में हम लोगों ने देखा कि प्रसाद का सिद्धांत क्या है। नेचुरल जस्टिस थ्योरी पे अलग से एक वीडियो बनाएंगे जब इसके हम विधि शास्त्रीय आस्पेक्ट का अवलोकन भी करेंगे। तो हम देखते हैं कि तुलसीराम पटेल के केस में कहा गया कि जब एक आईएएस अधिकारी के द्वारा जो वो किसी दूसरे आईएएस अधिकारी को क्लैपिंग यानी थप्पड़ मार दिया गया था, तो इस पे जो वो वाइड डिस्कशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था। तो इसके अंतर्गत जो चीजें कही गई वो ये भी थी कि किसी भी अधिकारी को उससे नीचे के अधिकारी के द्वारा पद से नहीं हटाया जा सकता, यानी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वही उसको पद से हटा सकती है। आर्टिकल 312 हमें कहता है क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, ये आर्टिकल पार्लियामेंट को अथोराइज करता है, एम्पावर्ड करता है कि अगर भारत सरकार इस प्रकार का प्रस्ताव पार्लियामेंट में रखे और पार्लियामेंट उसको सबसे पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा के माध्यम से पारित कर देती है और महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो इस प्रकार की नई ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन भी किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से आर्टिकल 323 ए हमें कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में। यहाँ एक ट्रिब्यूनल का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, कैट, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोविजन करता है कि इस प्रकार के जितने भी हमारे सिविल सर्विसेज है जो इस कैटेगरी में आते हैं उनके सेवा सर्विस सेवा नियमों को लेकर के सर्विस रूल्स को लेकर के उनको उनकी छुट्टियों को लेकर के उनकी पीएल जीपीएफ एसआई या उनके रिमूवल को लेकर के अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एम्प्लॉय का किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो सीधे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाकर के एक प्रारंभिक हियरिंग अथॉरिटी के रूप में क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में कैट का गठन जैसे किया गया है हमारे यहाँ, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि इस प्रकार के प्रशासनिक अधिकरणों की नियुक्ति की जा सकती है जो इस प्रकार के सेवा नियमों में सुनवाई करके उनको रिलीफ देगी। ठीक इसी प्रकार से हमें आर्टिकल 335 ये कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ रिजर्व कैटेगरी, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन के बारे में जो प्रोविजंस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल है, बार बार सुप्रीम कोर्ट ने और इस प्रकार के हमारे वर्डिक्शंस दिए हैं, चाहे वो इंदिरा सानी का केस हो या दूसरे सारे केसेज हो उसमें अनुसूचित जाति जनजाति और अदर बैकवर्ड क्लासेज और दूसरी रिजर्वर्ड कैटेगरीज को अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्ति के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 335 ये कहता है कि जब भी इस प्रकार के अपॉइंटमेंट होंगे तो रिजर्वर्ड कैटेगरीज के अपॉइंटमेंट को ध्यान में रखा जाएगा, यानी जब एडवर्टाइजमेंट निकाला जाएगा तो उतना परसेंट रिजर्वेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनको दे है उतना रिजर्वेशन जो उनको दे होगा। तो दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ऑल इंडिया सर्विसेज को लेकर के और प्रारंभिक चीजें कुछ मैंने आपको बताई, आपको मैं समझता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप इसे जरूर लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।